क्या फिल्म इंडस्ट्री ने रिया चक्रवर्ती को बॉयकॉट कर दिया है? क्या रिया चक्रवर्ती का फिर से बॉलीवुड में कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री अब रिया चक्रवर्ती को उनकी पर्सनल लाइफ के कारण इग्नोर करेगी और बॉयकॉट करेगी? वेल, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया तब जब हाल ही में रिया की अपकमिंग फिल्म चेहरे का पोस्टर रिलीज हुआ। इस पोस्टर पर हर एक शख्स था, इनफैक्ट छोटा छोटा किरदार भी जिस एक्टर ने निभाया है उसकी फोटो थी और उसे पोस्ट में टैग किया गया। लेकिन इस पूरे इवेंट के दौरान रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, जिसके पीछे कारण है उनकी पर्सनल लाइफ या पिछले साल जो कुछ भी उनके ऊपर हुआ। मामला चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को इसका दोषी ठहराया है। सीबीआई में ये केस चल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले के बाद रिया चक्रवर्ती की पहली फिल्म जो रिलीज होने जा रही है वो चेहरे है, और इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ नजर आने वाली थी। इसी फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंस की जो पोस्ट आई उसमें रिया चक्रवर्ती का ना चेहरा है और ना ही नाम है। रिया चक्रवर्ती के एक फ्रेंड ने एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए इस पूरे मामले में अपना दुख और दर्द बयां किया है। कहा है कि क्या इंडस्ट्री इस तरीके से अब रिया के साथ बिहेव करेगी? रिया जैसे तैसे इस पूरे केस के बाद अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री उन्हें चैलेंज कर रही है। रिया के इस दोस्त ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री उनका इस तरीके से स्वागत करेगी ये रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2020 में रिया चक्रवर्ती ने बहुत कुछ सहा है। सबसे बड़ी बात जो खबरें ट्रेड के गलियारों से आ रही है वो वाकई में चौंका देने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म के अंदर रिया का जो पूरा पोर्शन है या तो उसे हटा दिया गया है, और अगर उसमें कहीं दिखाने की जरूरत पड़ी है तो उसकी जगह क्रिस्टल डिसूजा को लिया गया है। रिया की पर्सनल लाइफ में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी आज मेकर्स फिल्म पर नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की ट्रिक भी अपनाई जा सकती है। रिया का रोल क्रिस्टल डिसूजा के करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर बहुत खबरें चल रही हैं, लेकिन मेकर्स ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। मेकर्स की तरफ से कोई भी सफाई अभी नहीं आई है। और जहां तक बात है फिल्म के पोस्टर से रिया का चेहरा गायब होना या फिल्म के क्रेडिट से रिया का नाम गायब होना, ये पहली बार नहीं है जब इंडस्ट्री में इस तरह की ट्रिक अपनाई गई है। इससे पहले एके हंगल के साथ ऐसा हो चुका है, जब फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा वो कर रहे थे, उसी दौरान इंडिया की जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसने एक फंक्शन रखा था और एके हंगल वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर चले गए थे, जिसके बाद शिवसेना उन पर बहुत भड़की थी और उन्हें बॉयकॉट करने की धमकियां भी दी गई थी। तब रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से एके हंगल को बिल्कुल अलग रखा गया था। कहते हैं कि फिल्म के पोस्टर पर बोनी कपूर ने एके हंगल को नहीं रखवाया, साथ ही फिल्म के अंदर एके हंगल के चेहरे को काला किया गया, सिर्फ उनका धड़ दिखाया गया। तो क्या चेहरे में रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही किया गया है, या फिर रिया को पूरी तरह से क्रिस्टल डिसूजा ने रिप्लेस कर दिया है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मेकर्स इस पर अभी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती की ये पहली फिल्म है। रिया चक्रवर्ती नॉर्मल होती नजर आ रही हैं, वो जिम में कई बार स्पॉट हो चुकी है।